इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में आप इनवाइट कोलेबरेटर फीचर का यूज कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप क्रिएट किया है, देन उसके एडमिन आप हो, आप ही उसके अंदर मैसेज कर पाओगे, कोई रील्स या पिक्चर्स वगैरह सेंड कर पाओगे व्हाट्सएप पे। अब उसका एडमिन आप एक हो, आप चाहते हो कि इसके मैं दो चार एडमिन कर दूं, मतलब पांच कर दूं, इससे ज्यादा कर दूं, तो वो सब मैसेज कर पाए एंड वो हमारे ग्रुप को मैनेज कर पाए, तो वहां पर आप एडमिन को इंक्रीज कर देते हो। सेम इसी तरह इंस्टाग्राम जो ब्रॉडकास्ट चैनल है, इसमें भी आप इनवाइट कोलैबोरेटर के थ्रू अपने चैनल में एडमिन को ऐड कर सकते हो, अपने एडमिन बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने अपना एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है, जो कि मैंने अभी अभी एग्जाम्पल के लिए 14 मिनट पहले बनाया है, एक मैंने 2 वीक पहले बनाया था, एक मैंने एंड कर दिया है। तो यहाँ पर ये वाला मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। अब इसमें जो ब्रॉडकास्ट चैनल है ये, इसका एडमिन मैं ही हूँ, मैं ही इसमें मैसेज कर पाऊंगा इस तरह से, एंड मैं ही इसके अंदर कोई पिक्चर्स स्टोरी एंड लिंक वगैरह शेयर कर पाऊंगा, मैं ही रील्स इसके अंदर शेयर कर पाऊंगा, कुल मिला के इसको मैनेज मैं ही कर पाऊंगा, इसके अलावा इसमें कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा। इसमें जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं, वो तो सिर्फ देख पाएंगे, और किसी के पास इसके पास मैसेज करने का ऑप्शन नहीं है। इसका एडमिन मैं हूँ, मैं ही इसका ओनर हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी ओनरशिप, मतलब आप एडमिन को इंक्रीज कर सकते हो, कितने बढ़ा सकते हो, कितने एडमिन आप ऐड कर सकते हो बता देता हूँ। इसमें आप एक एडमिन से पांच एडमिन ऐड कर सकते हो, पांच के पांच एडमिन जो होंगे इसके ओनर बन जाएंगे चैनल के, वो इसमें मैसेज कर पाएंगे, रील शेयर कर पाएंगे, स्टोरी शेयर कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो इनवाइट कोलेबरेटर के थ्रू आप इसमें बढ़ा सकते हो। वो कैसे? सिंपली यहाँ पर देखो, आपको इनवाइट कोलेबरेटर का फीचर आ रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऊपर यूजर नेम पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको पीपल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो, जो इस चैनल का एडमिन है वो टेक्निकल सेफ 8 है, यही इसमें मैसेज कर पाएगा। देखो ऊपर लिखा है हु कैन मैसेज, कौन मैसेज कर सकता है, तो इसमें जो मैसेज कर सकता है इसकी परमिशन सिर्फ मेरे पास है, कोई और इसमें मैसेज नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें पांच एडमिन और ऐड कर सकता हूँ, वो इसमें मैसेज भी कर पाएंगे, कोई रील्स वगैरह कुछ भी शेयर कर पाएंगे, मतलब मेरे चैनल को वो मैनेज कर पाएंगे। तो इसके हम किसी और को इसकी ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, मतलब परमिशन हम इसकी और किसी को दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको ऊपर ऐड पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको जिस जिसको ऐड करना है, पांच एडमिन आप बना सकते हो उसके। फॉर एग्जांपल मैं अपने अपने ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपना अकाउंट लेता हूँ, 0 मोहम्मद सैफ 0, यहाँ पर मैंने ये लिया, देन ये आ गया, देन यहाँ पर मैंने प्लस पे टैप करके इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं टेक्निकल सेफ, चलो यहाँ पर मैं योगी योगेंद्र सर को ले लेता हूँ, इसके अलावा और ले लेता हूँ टेक्निकल सेफ ऑफिशियल, यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ। इस तरह से मैं एक से दो और बंदे रैंडमली ले लेता हूँ, यहाँ पर पांच बंदे हो गए, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं होगा। देखो लिखा आ गया, कोलेबरेटर लिमिट रीच, यू कैन ओनली हैव 5 कोलेबरेटर्स इन ए ब्रॉडकास्ट चैनल एट ए टाइम। सिर्फ और सिर्फ आप पांच ही बंदों को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो, राइट? यहाँ पर मैंने इनवाइट कर दिया है। अब जैसे ही मैंने इनवाइट कर दिया है, इन सब के पास नोटिफिकेशन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उनको एक्सेप्ट करना होगा, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सेकंड चैनल पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी सेकंड आईडी पर आ गया हूँ, ठीक इस तरह से मैं सेकंड आईडी पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं चेकआउट करता हूँ कि कोई मैसेज वगैरह आया है या नहीं आया। देखो यहाँ पर एक मैसेज आया, अभी नो लिखा रहा है, सेंट ए मैसेज, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा है टेक्निकल सेफ इनवाइट यू टू कोलैबोरेट इन देयर ब्रॉडकास्ट चैनल, तो मुझे इनवाइट किया गया है, मैंने आप लोगों के सामने वहां से इनवाइट किया। देन यहाँ पर मैं सी चैनल पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं सी चैनल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को डिक्लाइन या एक्सेप्ट करना है। अगर डिक्लाइन कर दूंगा तो मैं उसमें ऐड नहीं हो पाऊंगा, और जैसे मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो अब मैं एडमिन बन गया हूं टेक्निकल सेफ यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल का। यहाँ पर मैं टेक्निकल सेफ इंस्टाग्राम का जो ब्रॉडकास्ट चैनल है मेरा, उसका एडमिन ये बन गया है बंदा। इस तरह से पांच बंदों को मैंने क्या किया है, इनवाइट, तो पांच के पांच इसके एडमिन बन जाएंगे, पांच के पांच। अब देखो मैं यहाँ से इसमें मैसेज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सी चैनल में जाता हूँ, तो यहाँ पर ये चैनल यहाँ पर आ जाएगा बाहर। देखो ये आ गया है चैनल यहाँ पर, क्योंकि मैं इसका एडमिन बन गया हूँ। यहाँ पर ये दूसरा आ रहा है,
तो मैं इस वाले पे ज्वाइन हो रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे परमिशन मिल गया है मैसेज करने की, तो यहाँ पर मैं इस आईडी से इसमें मैसेज कर पा रहा हूँ एंड इसमें मैं रील्स वगैरह कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, स्टोरी भी शेयर कर सकता हूँ। देखो स्टोरी का ऑप्शन वैसे है नहीं, यहाँ पर देखते हैं स्टोरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्राइवेसी एंड सेफ्टी आ रहा है, इसके अलावा पीपल यहाँ पर हाँ इस तरह से आ रहा है एंड इनवाइट लिंक मैं कर सकता हूँ। तो इसके एडमिन मैंने 5 ऐड कर दिए और एडमिन के पास ये भी परमिशन है कि वो इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। हाँ जी यूजर नेम वो चेंज कर सकते हैं और सी डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको इतना ही मिलता है, फ्लैग मिलता है और फ्लैग कर सकते हो। तो इस तरह से तो यहाँ से आप कुछ भी ऑडियो वगैरह इस तरह से कुछ भी जैसे होता है ना इंस्टाग्राम ग्रुप इस तरह से आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, देन यहाँ पर मैं अपने टेक्निकल से ऑफिशियल अकाउंट पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ही तो एडमिन को ऐड किया है इसमें, तो क्या अब हम इसको हटा भी सकते हैं या नहीं? हाँ जी गाइस, अगर मैं चाहूँ जिसको चाहूँ उसको हटा सकता हूँ, बिकॉज चैनल का ओनर मैं हूँ, मैं ही रहूँगा, मैंने ही तो 5 एडमिन को ऐड किया है, तो इसकी परमिशन मेरे पास है। तो देखो यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया है, तो ज्वाइन भी हो गया है इस तरह से वो बंदा। तो यहाँ पर देखो टेक्निकल सेफ ज्वाइन हो गया है। अब जिसको मैं चाहूँ उसको यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मोहम्मद सेफ को मैंने एडमिन बनाया, अपने चैनल का एडमिन बनाया और इसने इनवाइट कोलेबरेटर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही रिमूव पर क्लिक करता हूँ, देन रिमूव करता हूँ, तो अब उसके पास से परमिशन हट गया है। मैंने उसको लेफ्ट कर दिया, देखो लिखा आ गया फॉर यू लेफ्ट ए कोलेबरेटर, तो मैंने उसको हटा दिया है। इस तरह से आप एडमिन को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो, जिसको आप चाहो उसको यहाँ से आप हटा सकते हो इस तरह से। अभी देखो इनके पास परमिशन है और जैसे ही ये एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ से रिमूव कर पाओगे, और जब तक कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये रिमूव यहाँ से नहीं होगा। तो इस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर आपके पास एक बंदा और है, अगर आप चाहो इसी को ही ऐड कर सकते हो या और किसी को ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप किसी को भी एडमिन बना सकते हो और रिमूव कर सकते हो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में, एंड वो आपको मतलब आपने उसको परमिशन दे दिया है कि आप भी इसमें मैसेज रील्स वगैरह कुछ भी शेयर कर सकते हो, उसके पास भी परमिशन चला जाता है। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पर तो ग्रुप बनाते ही होगे एंड व्हाट्सएप पे भी बनाते होगे, वहां पर आपने ग्रुप वगैरह चलाए होगे, आप लोग खुद समझ जाओगे सेम टू सेम ये उसके जैसा ही है। उसमें भी एडमिन होते हैं, एडमिन रील्स वगैरह से मतलब वीडियो वगैरह शेयर करते रहते हैं, पोस्ट वगैरह 5। तो इस तरह से मतलब उसमें तो होता ही है, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में सिर्फ और सिर्फ 5 ही एडमिन बनते हैं। इन फ्यूचर ज्यादा हो जाए लिमिट अभी मैं बोल नहीं सकता, ज्यादा हो जाएगी तो बाद में आपको बता दूंगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।